बाइबल की एक वर्स है, डू नॉट थ्रो पर्ल्स टू स्वाइन्स, खंजीरों के आगे मोती मत फेंको। ये बिल्कुल, बाइबल वो की मेरे वर्स वालिद साहब का शेर है। वो जिनके दिल पे मोहरे सख्त हो उनको क्या समझाना, वो जिनके दिल पे मोहरे सख्त हो उनको क्या समझाना, उनको उन्हें हम आप क्या उनको पैंबर छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिबा जावेद एंड वी आर बैक विद इफ़ामुत फेम चैप्टर 2 एंड दिस इज एपिसोड नंबर 1। पहले हमने ये शुरू किया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा था, सो वी आर बैक विद दैट। बिफोर स्टार्टिंग मैं इसका एक फॉर्मेट थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो हमें सेंड करते हैं और कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं और जरा भाई से उसके बारे में इनसाइट्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ताकि हम कुछ सीख सकें और फैला सकें। सो थैंक यू जयाब भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर, ये हमें ग्रुप में से क्वेश्चन आया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रू नॉलेज, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों को सुनते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो लोग इससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, डिस्क्रिमिनेशन फैल जाती है। लोग पूछते हैं कि हम लोग सच को कैसे आइडेंटिफाई करें इसमें से, कि कौन ठीक बात कर रहा है कौन ठीक बात नहीं कर रहा, एज अ सोर्स हम किस चीज़ को लें, सोर्सिंग कैसे करें, रेफरेंसेस कैसे सही देखें। ठीक है, लास्ट टाइम शुरू किया था। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाएं तो वहाँ पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसका नाम है मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स इनटू रियलिटी। उसमें रियलिटी के ऊपर हमारी कुछ डिस्कशन है कि जब भी आपने किसी भी ट्रू नॉलेज को आइडेंटिफाई करना है, तो जब द वर्ड ट्रू आप यूज़ करते हैं तो ट्रू का मतलब होता है कि आप ट्रूथ की तलाश में है, सच की तलाश में। तो सच की तलाश में आपको तहकीक करनी पड़ती है। तहकीक का मतलब है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू। और फैक्ट फाइंडिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, उसमें आपने रियलिटीज इकट्ठी करनी होती हैं। रियलिटीज क्या होती हैं कि मैं जिस चीज़ को किसी भी नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ वो शायद आपके नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ, और इसी तरह उसको आप मुख्तलिफ रियलिटीज़ के साथ इकट्ठा करें तो बहुत सी डिफरेंट रियलिटीज़ आपस में कुछ चीज़ें मुश्तरक रखती हैं, कॉमन रखती हैं, और कुछ चीज़ें उनकी एक दूसरे से जुदा होती हैं। तो जो चीज़ें मुश्तरक होती हैं, जो चीज़ें कॉमन होती हैं, उन कॉमन चीज़ों को, रियलिटीज़ की कॉमन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है तो उसको फैक्ट का नाम दिया जाता है, हकीकत का नाम दिया जाता है, हकीकत का नाम दिया जाता है। रियलिटी होती है असलियत, और फैक्ट होती है हकीकत। ठीक जब हम रियलिटीज के कॉमनैलिटीज को इकट्ठा करते हैं तो वो फैक्ट्स होते हैं, और फिर हम बाकी चीज़ें रद्द कर देते हैं और फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं। फिर हम डिफरेंट फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं तो उनकी कॉमनैलिटीज जो होती हैं वो ट्रूथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर यही ट्रूथ जब ग्लोबली इकट्ठे किए जाते हैं तो उसमें जो कॉमनैलिटीज होती हैं उसको यूनिवर्सल ट्रूथ्स का नाम दिया जाता है। यानी वो सच जो ग्लोबली पूरी दुनिया जिसको तस्लीम करे, मिसाल के तौर पर दुनिया गोल है। जब तक ये चीज़ आइडेंटिफाइड नहीं थी कि दुनिया गोल है, तब तक दुनिया को एक फ्लैट सरफेस कहा जाता था। ये गैलीलियो कोपरनिकस की बहस अलग बहस है कि तब ये दुनिया को स्फीयर का नाम दिया गया है, स्फीयर आइडेंटिफाई किया गया। एरिस्टोटल ने भी कहा कि जब मैंने कश्ती को समंदर में दूर से आते देखा तो पहले उसका बादबान, उसका मास्ट ऐसे उभरते हुए देखा, और फिर उसके बाद कश्ती देखी तो मुझे इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि दुनिया गोल है। ताकि मुझे इस तरह पता चला कि समंदर में कश्ती ऐसे करके नमूदार होती है कि पहले उसका मास नजर आता है। वेरियस डिस्कशंस टुक प्लेस, वेरियस कॉन्सेप्ट्स टुक प्लेस, फिलोसफर्स टुक केम फॉरवर्ड, और जब वो सारे फिलोसफीज में कॉमनैलिटी इकट्ठी की गई तो उस ट्रूथ को आइडेंटिफाई किया गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मैंने बात आपको इसलिए बताई कि जब आप तहकीक करते हैं तब सबसे पहले अपने बायस लेंस हटाते हैं। मैं अगर सुन्नी हूँ, शिया हूँ, या बरेलवी हूँ, या देवबंदी हूँ, पहले मुझे अपने आप को इस बायस लेंस से दूर करना है, और एज थर्ड पर्सन एब्स्ट्रैक्ट परस्पेक्टिव अनलर्न करके किसी चीज़ को दोबारा से आइडेंटिफाई करना है, ताकि मेरा रुझान किसी एक सम्त की तरफ ना हो। कि अगर मैं किसी ऐसे सच की तलाश में हूँ जो मेरे अकीदे से भी क्लैश करता है, तो तहकीक इतनी अनबायस होनी चाहिए
कि अगर उससे ये साबित होता है कि वो मेरे अकीदे से मुख्तलिफ कोई चीज है, तो ऐसा सच है जो मेरे अकीदे से मैच नहीं होता, मैं तब भी उसको एक सच की तरह तस्लीम। तो जब हम ट्रू नॉलेज की तलाश में होते हैं तो मसला ये होता है कि हमारे पास ज्यादातर कंटेंट वो होता है जो कंटेंट प्रेवलेंटली फ्लरिश होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और मेरी बात याद रखिएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हमेशा वही चीज़ फ्लरिश होती है जो ताकतवर और मुख्तदर हल्के फ्लरिश करवाना चाहते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सच मौजूद हो, उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो हकायक मौजूद हों वो दुरुस्त हों। ये सारी चीज़ें मोल्ड की जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैनूवर की जाती हैं, मैनिपुलेट की जाती हैं, ताकि मैसेज का रुझान उस तरफ लेके जाया जाए जहाँ पे उनका फ़ायदा है, मुख्तदर हल्कों का फ़ायदा है, जो उस वक्त ताकत में या हुकूमत में या हुकूमत में हुक्मरानी की तलब में तलाश में ये सारी चीज़ें तराशते खराशते हैं ताकि आप लोग वैसे बन जाएं जैसे वो आपको बनाना चाहते हैं। जाता तो ट्रू नॉलेज की जो तलाश होती है या तलब होती है या जो क्वेस्ट होती है, ये भी एक जहाद होता है। ये जहाद सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने अकायद की नफी करते हैं, जिन अकायद पे पनप के आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश किया होता है, आपने अपना एक नुकता नजर बहुत उम्र लगा के बहुत तजुर्बा तजिया तालीम और तरबियत के बाद आपका एक अकीदा इस्टेब्लिश होता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको उसके उस दीवार के दूसरी तरफ हकायक दुरुस्त हकायक छुपे होते हैं। उस दीवार को गिराना या उस दीवार को फलांगना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सबसे जरूरी काम होता है। इसलिए मैं इसको जिहाद कहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जिहाद में नफ्स से शुरू होता है। आपने अपने आप को सामने रख के क्रिटिसाइज करना होता है, या एक क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू देखना होता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे बड़े गलत हो सकते हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। तो अगर हकीकत या सच मेरे उस तरबियत और मेरे नस्ल दर नस्ल किसी अकीदे की इस्टेब्लिशमेंट के बावजूद उसके बिलमुकाबिल खड़ा है, तो मुझे उसको तस्लीम करना है। अगर मुझसे वो तस्लीम नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि मैं सच की तलाश में था ही नहीं, मैं सिर्फ अपने ही किसी अकीदे की पुख्तगी के लिए उसको अपने आप को कन्विंस करने के लिए वही सच ढूंढ रहा था जो सच मुझे पसंद आए या मेरे अकीदे से मुताबिकत और मुनासिबत रखता हो। अमूमन ऐसा होता है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो ऐसा होता है कि सच जो है वो कोसों दूर होता है हमारे अकायद से और हमारी प्रैक्टिसेस से, हमारे बड़ों की प्रैक्टिसेस। इसलिए हम उस सच को तस्लीम ही नहीं करते, उस तस्लीम करने से कासिर हैं। हमारी हमारे सिस्टम में इनकलकेट कर दिया गया है कि सुन्नी घर का बच्चा शिया को काफिर ही कहेगा, शिया घर का बच्चा सुन्नी को गलत ही कहेगा अगर काफिर नहीं भी कहेगा, या ये या इस तरह की सोसाइटी के भी तबकाती मसाइल भी होते हैं कि फलां तबके का शख्स एक दूसरे तबके के शख्स को हमेशा गलत ही समझे। तो जब आप ट्रू नॉलेज की तलाश में होते हैं, तब आप ये सारी चीजें, तब आप अपने आप को बिल्कुल अलग खड़ा करके अपने तमाम अकायद से मुबर्रा होके आप उसको एक बहुत ओपन फ्रेम ऑफ माइंड से उसकी तहकीक करते हैं, तब आपको सच की जो तलाश है कहीं सच की तरफ और सच के करीब लेके जा सकते हैं। आई होप कि आपका सवाल जो है बड़ा जेनरिक सा, इसलिए मैंने बड़ा जेनरिक सा जवाब दिया किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइटिंग कर रहा था। सो व्हेन एवर यू लुक फॉर सर्च फॉर द ट्रूथ, फर्स्ट फॉरगेट व्हाट यू नो, बिकम अ टोटल इलिटरेट अबाउट दैट टॉपिक एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर एवरी सिंगल क्लू दैट यू पॉसिबली कैन, कि आपने उसको जीरो से लेके समझना है और उसको एक मुनसिफ की तरह समझना है, इंसाफ करना है उसके साथ, कि अगर वो तमाम के तमाम हकायक भी मेरे किसी प्रायर इस्टेब्लिश्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली क्लैश भी करते हैं, तो मुझे वो तस्लीम करते हैं। द लास्ट लाइन इज द क्रक्स के हमने किस तरह से देखना है, हमने हर तरह की बायसनेस को, चाहे वो किसी भी फिरके की हो, उसको निकाल कर हकीकत को एक स्टैंडर्ड रखना है टू कि हकीकत के करीब कौन सी चीज़ें, ना कि हमारे अपने अकायद के करीब कौन सी चीज़ें, देन हम वो उसको एक्सेप्ट करें, यू नो. तो फॉरगेट वट यू नो इज द क्रक्स ऑफ दिस आंसर, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिया भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ आया था, इब्राहिम ने एक क्वेश्चन पूछा था, एंड ही वाज आस्किंग के हम हमेशा बात करते हैं कि मोमिन शुड बी पॉलिटिकली स्ट्रांग, ठीक है. तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि हाउ कैन वी गेट पॉलिटिकली स्ट्रांग, हाउ कैन वी गेन पॉलिटिकल पावर बीइंग इन पाकिस्तान. क्या वो हम डेमोक्रेसी के थ्रू ही आ सकते हैं, अगर डेमोक्रेसी नहीं तो इसके इसके अलावा कौन सा वो वे हो सकता है कि हम पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकें. जी सर भाई. देखें, मोमिन पैदाइशी तौर पे एक पॉलिटिशियन होता है,
और हर रूह जो इस प्लेनेट पे उतरती है वो पैदाइशी तौर पे मोमिन होती है। ये हमने सूरह अल आराफ को जब भी डिस्कस किया उसकी आयत नंबर 172 में हमने डिस्कस किया, जिसमें अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा अल्लाह सुब्हान तआला से मीसाक करके हम उतरते हैं, तो उस वक्त तमाम के तमाम अरवाह ये मीसाक करके, ये वादा करके उतरते हैं कि हम आपको अपना रब तस्लीम करते हैं। ये ईमान की पहली शर्त, आमंतु बिल्लाह। तो जो आमंतु बिल्लाह वहां पे करके हम दुनिया में उतरते हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम की तमाम अरवा अपना पॉलिटिकल स्टेटस पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक मोमिन, एक बिलीवर, अल्लाह सुब्हान तआला को मानने वाला ये बन के प्लेनेट पे उतर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो एक अपनी पॉलिटिकल एंटिटी साथ लेके उतर रहे हैं। मैं इसको पॉलिटिकल एंटिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो शुरू में ही सूरह बकरा में ही जब मलाइका ने कहा अल्लाह सुब्हान तआला से, अल्लाह सुब्हान तआला से कि आप इसको जो इख्तियारात दे रहे हैं उसमें क्या ये फसाद बर्पा नहीं कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि उस डिसीजन ऑफ द लॉर्ड के खिलाफ पहला पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट फरिश्तों ने इस्टेब्लिश किया कि दिस इज नाउ यू आर ग्रांटिंग हिम द खिलाफत, आप उसको अपना खलीफा बना के उतार रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है जो अल्लाह सुब्हान तआला प्लेनेट के ऊपर इंसान को अता करके दुनिया में उतार रहे हैं। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो पॉलिटिक्स से या सियासत, द वर्ल्ड सियासत से मुबर्रा इस दुनिया में मौजूद है, तो वो गलत समझता है, उसको इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि वो आलम अरवा से ही अपना एक पॉलिटिकल स्टैचर इस्टेब्लिश करके, फिर आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में बहिश्त में वो स्टेटस को प्रैक्टिस करके उसके बाद दुनिया में आता है। जब अल्लाह सुब्हान तआला आदम अलैहिस्सलाम को जानवरों के और बाकी चीजों के नाम सिखा के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि तुम फरिश्तों से कहते हैं कि तुम नाम बताओ, उनको नहीं आते, तो देयर इज अ पॉलिटिकल डिबेट गोइंग ऑन ओवर देयर टू 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 ग्लोरीफाई ह्यूमनॉइड, अल्लाह सुब्हान तआला बनी नौ इंसान को ग्लोरीफाई करते हैं अमंग द अदर रेसेस, अमंग द अदर स्पीसीज, अमंग द अदर क्रिएशंस, कि मैंने ये खिलाफत अपनी इसके जिम्मे इसलिए लगाई है क्योंकि ये पोलिटिकली तुमसे ज्यादा इस्टेब्लिश एंटिटी बन के मैं इसको बना के इसको उतार रहा हूँ। जैसे हम प्लेनेट पे आते हैं तो अब इंसान ने ओवर द पास्ट सेंचुरीज मुख्तलिफ उलूम और फनून को ईजाद किया है, तख्लीक किया है, उनमें से एक इल्म जो है उसको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट इस्टेब्लिश किया है दुनिया। उस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं जो इंसान ने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ कंट्रीज में, रियासतों में उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो खिलाफत हो, चाहे वो यानी कुछ कबाइल के सिस्टम से लेके स्टेट के सिस्टम तक, हम मुख्तलिफ सिस्टम्स को इस्टेब्लिश करके प्रैक्टिस करके कोशिश करते रहे हैं कलेक्टिवली एज मैनकाइंड कि हम किस तरह से सियासी सूरत हाल को रियासती अमूर के अंदर शामिल करके एक सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि दीन और दुनिया दोनों बराबर में इस तरह से आपस में अमलगमेट हो जाएं कि हम चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों अपने मजहब की भी प्रैक्टिस कर सकें और अपनी रियासती अमूर को भी बखूबी निभा सकें। उन सिस्टम्स में से एक सिस्टम जो इंसान ने क्रिएट किया है उसका नाम है डेमोक्रेसी, जो आपके मुल्क में आजकल किसी ना किसी टूटी फूटी सूरत में राइज है। इस्लाम ऑन द अदर हैंड, मैं बारहा ये बात आप लोगों से कर चुका हूँ कि इस्लाम डेमोक्रेसी के खिलाफ, मुख्तलिफ उलमा ने कुरान पाक की आयत को यूज करके, सूरह शूरा की आयत है आई बिलीव, उसको यूज करके उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को एक इस्लाम का में वैलिडेटेड सिस्टम साबित करने की नाकाम कोशिश की है। जैसे जावेद अहमद गांधी साहब, इस आयत का एक जुमला है बीच में, एक आयत का एक पार्ट है, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, के तमाम अमूर जो हैं आपस में शूरा मुशावरत से होंगे। हजरत उमर रज़ी की भी एक हदीस है जिसपे वो कहते हैं कि ला खिलाफत के नहीं कोई खिलाफत इल्ला मुशावरतुल मुस्लिमीन, के हजरत उमर रज़ी भी कह रहे हैं, और वो जावेद अहमद गामली साहब इसको दोहराते भी हैं, लेकिन जाने क्यों मुशावरत को और राय शुमारी को एक माने में बांध देते हैं। असल में मुशावरत और राय शुमारी में फर्क होता है। मैं आपसे
इस वक्त हमारे ग्रुप में, इस वक्त इस जूम सेशन में 50-60 लोग मौजूद होंगे, उन लोगों से मैं एक एक करके राय लूं किसी चीज की, तो वो अपनी अपनी ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे मशवरा करूं किसी चीज का, तो उसमें से 70% आप में से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि या तो हमें वक्त दिया जाए, हम इसके ऊपर मुताला करें, या इसके ऊपर किसी से डिस्कशन करके हम आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। राय हम अभी अपनी दे सकते हैं, किसी चीज के बारे में मशवरा हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मशवरा जो है वो उस वक्त दिया जाता है जब आप किसी चीज की कॉम्प्रिहेंशन रखते हैं, उसकी उसकी तफहीम हो आपको। अगर आप किसी चीज की समझ ही नहीं रखते, आप उसके बारे में मशवरा नहीं दे सकते। राय शुमारी और मशवरे का फर्क इतना बड़ा फर्क है कि वो डेमोक्रेसी को खिलाफत से मीलों दूर रखता है। खिलाफत इस्लाम में जब नबुवत खत्म हुई, अकालाम का जब विसाल होता है, तो उसके बाद हमने जो सिस्टम इस्टेब्लिश देखा है खुलफाए राशिदीन का, वो खिलाफत देखा है, और खिलाफत का तायुन, खलीफा का तायुन कभी भी राय शुमारी से नहीं हुआ। खलीफा का तायुन हमेशा हमेशा मुशावरत से हुआ, और मुशावरत भी उन लोगों की जो अपने आप को एज अ पर्सन सोसाइटी में सोशल स्टेटस पे एक सर्टन डिग्री तक लेके जा चुके थे, जिनका मकाम था मुआशरे में, सिर्फ वही लोग एक शूरा की सूरत में एक एंटिटी स्टैब्लिश करते हैं, उस मजलिसे शूरा की फिर आपस में मुशाविरत के बाद किसी शख्स को खलीफा मुकर्रर किया जाता। ऐसा हरगिज नहीं है कि सड़क पे मौजूद किसी ऐसे शख्स को जिसको इतना इतनी सेंस ना हो कि उसके फैसले का या उसकी ओपिनियन का इम्पैक्ट किस लेवल पे और कितनी नस्लों तक आ सकता है और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर सकता है। सॉरी, ऐसे शख्स के हाथ में रियासती अमूर के चलाने वाले खलीफा को चुनने का राइट होना ही नहीं चाहिए, उसके पास ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको ये बात एग्जाम्पल के साथ बताऊं, तो आपके घरों में इस वक्त आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे समझदार लड़के लड़कियां हैं, आपके माँ बाप आपस में एक दूसरे से या अपने साथ के लोगों से, अपने बड़ों से या अपने बहन भाइयों से मशवरा करके तो बहुत से मामला आपके घर में राइज करते हैं। आपकी उसमें वो राय जरूर ले सकते हैं, आपकी ओपिनियन जरूर ले सकते हैं, लेकिन मुशावरत एट द एंड ऑफ द डे वो अपने लेवल पे करके आप लोगों के घरों में डिसीजंस लेते हैं, आप लोगों के घरों के सिस्टम को राइज करते हैं, जिसमें से 90% फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आप और मैं मुखालिफ होते हैं उन फैसलों, हमें वो फैसले दुरुस्त नहीं लगते। और अगर इसका मतलब यह है कि हम अपने घरों में भी डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करते, हमारे घरों में भी मुशावरत अमर हम शूरा बैन हम होता है, हमारे घरों में जमहूरियत नहीं होती। सियासत और जमहूरियत का फर्क यह है कि सियासत आपके साथ इनेट है, आप पैदाइशी तौर पर सियासत लेके आए हैं और एक एक सियासी सियासी एंटिटी बन के उतरे हैं, लेकिन जमहूरियत एक सिस्टम है जो इंसान ने इस्टेब्लिश किया है। इसलिए जो लोग सियासत और जमहूरियत को मिक्स करते हैं, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लोग कहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री का को सियासत, इट्स ऑन, यस कैन यू हियर मी, आई कैन हियर यू, यस कैन यू सी मी, यस आई कैन सी यू, ओके ओके, यहां से वीडियो चली गई थी। ओके अक्सर लोग पाकिस्तान में ये बहस करते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री को सियासत से दूर रहना चाहिए, वो गलत बात करते हैं, उनको उनकी कमफहमी है कि आप इतनी बड़ी दुनिया की आर्मी जो दुनिया में अपना नाम रखती है, अपनी ताकत रखती है, न्यूक्लियर पावर रखती है, जिसके पास एक रियासत के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, और ना सिर्फ रियासत की बल्कि रीजन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है, इस्लामिक कंट्रीज उसको बहुत वैल्यू देती हैं, उनकी ओपिनियन को, उनकी उनके स्टैचर को, उनकी पूरे ग्लोब पे सियासत एग्जिस्ट करती है, उनकी पॉलिटिक्स का इफेक्ट पूरी ग्लोब पे आता है। उनको अगर आप ये कहें कि जमहूरियत से ताल्लुक नहीं है उसका, तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि हमारी फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंतहाई बेवकूफाना बात है जो हमारे उलमा लेवल पे लोग टीवी पे आके कर रहे हो। ऐसा हरगिज नहीं होता, मेरा एक नौमौलूद बच्चा भी सियासी एंटिटी है और उसका सियासत में सियासत से ताल्लुक रहेगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स बर्थ टू द टाइम इट पैसेज अवे वो एक सियासी एंटिटी बन के इस प्लेनेट पे उतरा है। जमहूरियत से अगर उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो वो अलग बहस है। जैसे मैं जमहूरियत को निजामे कुफर समझता हूँ, मैं जमहूरियत को डायरेक्ट इस्लाम से मुतसादम समझता हूँ, और अगर जमहूरियत होती तो पहले खलीफा ही मौला अली होते, ये सबको पता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से लेकर इन सबके घरों में भी वोट मौला अली के हक में आ रहे होते अगर वोटिंग सिस्टम होता और अगर जमहूरियत होती, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर फिगर। लेट्स एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट
He was not only popular among Muslims, he was even popular outside the boundary of Islam. तो उन्होंने कि उन तमाम लोगों ने जमहूरियत के सिस्टम को या अमरुम शूरा बैनहम को शूरा को राय शुमारी पे कंफ्यूज नहीं किया, शूरा को मुशावरत के साथ उस पर एस्टेब्लिश किया. सो द पॉइंट इज कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कैसे रोल प्ले कर सकता है, तो सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तानी मुस्लिम को पॉलिटिकली साउंड होने की जरूरत है, उसको इस्लामिकली साउंड होने की जरूरत है, ताकि उसको पता चले कि उसकी हर सांस लेने से हर सांस खत्म होने तक का जो का दौरानिया है, उस दौरानिया के अंदर अंदर वो अपने आखिरत के उन इटर्नल मोमेंट्स को बर्न कर रहा है, जाया कर रहा है, सिर्फ कुछ ना करके खामोश रह के और कोई अमल दखल ना करके इस पूरी दुनिया के मामला में. वो अपनी आखिरत तो खराब कर ही रहा है, वो दुनिया में भी अपनी साइलेंस की वजह से वो तमाम मजालिम होने दे रहा है जो मजालिम रोकने के लिए वो दुनिया में उतरा था. अब ये बड़ी डिटेल बहस है कि किस तरह से क्या क्या करना है. सबसे पहले तो मुताला करें, कुरान पाक का मुताला करें, समझें इस चीज को कि आप कितने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बींग हैं इस प्लेनेट पर. अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके ऊपर वक्त लगाया, आप पहले तसव्वुर में थे, तसव्वुर के बाद आप तख्लीकी मराहिल से गुजरे, तख्लीकी मराहिल से गुजरने के बाद आप दुनिया में उतरे, और दुनिया से उधर में आने के बाद आपके ऊपर आखिरत का एक पूरा प्रोसेस इस्टेब्लिश होना है. आप कोई आम बींग नहीं है, आप किसी मक्खी मच्छर को भी आम बींग नहीं कह सकते, वो भी किसी मकसद से अल्लाह सुब्हान व तआला ने पैदा किया. हम लोग आम बंदे बन के, आम लोग बन के मरे जा रहे हैं और जुल्म पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है. आप देखें इस वक्त इसराइल और अमेरिका, ये दो वो रिलीजन्स हैं जो हमारे रिलीजन्स, ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन्स हैं, ये हमारे कुरान ने टेस्टिफाई किए हैं रिलीजन्स को कि ये हमारे लोग हैं, इनके पास हमारी किताब थी, वही किताब जो हमारे पास कुरान पाक की सूरत में. वो थॉरली इस चीज को चला रहे हैं, वो पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं जैसे कि मुसलमान को रूल करना चाहिए और वो नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया इन्वेड कर रहे हैं, वो अपनी सरहदें वसी से वसी तर करते जा रहे हैं, अपने आप को पॉलिटिकली फाइनेंशियली और वॉरफेयर में साउंड कर रहे हैं. उनका एक एक बच्चा अपनी पॉलिटिकल एंटिटी को समझता है, चाहे वो यहूदी हो या चाहे वो ईसाई हो. और इन्हीं दोनों बने इसराइल के हमारे भाइयों ने पूरी दुनिया पे को कंट्रोल किया हुआ है, बने इस्माइल के जो हम लोग हैं, हम लोग अपने ही भाइयों के साथ लड़ने के बावजूद उनको ना डायलॉग में बीट कर सकते हैं, ना उनको वॉरफेयर में बीट कर सकते हैं, ना उनको इकोनॉमी में बीट कर सकते हैं, ना उनको एजुकेशन में बीट कर पा रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी में, हम किसी चीज में बीट नहीं कर पा रहे. ये हमारे ही लोग हैं जो गलत रास्ते पे हैं, ये हमारे ही भाई हैं, हमसे पहले की अंबिया की नस्ल में से हैं, आल में से हैं, और इन लोगों को ये जरूर पता है कि जहाद कर रहे हैं वो, और वो किए जा रहे हैं अपना जहाद अपने कागजों में, उनको ये नहीं पता कि वो गलत सम्प में कर रहे हैं. हमारा फर्ज था कि इनको बताना, हम तक किताब आई थी, हमारे पास आखिर नबी अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हमने सबसे पहले अपने भाइयों को जाके बताना है कि वो किताब आ गई है जिस किताब का जिक्र तुम्हारी किताबों में था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं जिनका जिक्र तुम्हारे अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे. हमने ऐसा नहीं किया, ना हमने अपनी पोलिटिकल सिचुएशन को समझा, ना हमने अपनी पोलिटिकल आइडेंटिटी को समझा, और अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हम डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी एक ऐसी लानत बन के इस मुल्क के ऊपर उतरी है जो दीन से मीलों दूर फेंक देती है मुसलमान. कोशिश ये करें अपने आप को पोलिटिकली साउंड करें, चाहे इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिना रहमतुल्लाह अलैह की तरह अपना लोहा मनवाएं, इस सियासत के अमूर अपने हाथों में लें और उसके बाद इसमें शरीयत का निजाम लेके आए, चाहे जो आपको दुरुस्त लगता है. जिना रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल आपके सामने, उन्होंने ये डेमोक्रेसी की बेस पे जीत के और बायलैटरल रिलेशनशिप्स और अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट से कई लोगों ने हमसे हाईजैक करके इसके ऊपर डेमोक्रेसी का निजाम चला. So this is sad, but this is how one should look at it and this is how one should practice up. और इसके ऊपर बार बार हम बहस कर सकते हैं कि कैसे करना है, कौन कौन से तरीके हैं. खाली मैंने आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रिहेंशन दिया इस सिचुएशन की, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. ये बहुत बहुत तफसीली टॉपिक है, इसको हम वक्तन से वक्तन डिस्कस करते हैं. जी थैंक यू जनाब भाई. और इसमें मैं ऐड करती जाऊँ कि अगर क्योंकि डेमोक्रेसी पे हमारी डिटेल से रमज़ान के सेशंस में भी बहुत डिटेल से डिस्कशन हुई है, इफ़ समवन वांट्स टू नो मोर अबाउट दैट तो वो रमज़ान पॉडकास्ट हमारी ज़रूर देखें.